हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल पॉलिश क्रिएशंस। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। और मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, ठीक ठाक हूँ, क्योंकि कल मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था, इसलिए मेरे पूरा बदन में दर्द है। कमर में तो ज़्यादा दर्द है क्योंकि झुक झुक के काम करना पड़ा। क्या काम किया मैंने देखो, मैं शेयर कर दे रही हूँ आज ही। नहीं, ये सरप्राइज था क्योंकि मैं बहुत दिन पहले बोली थी कि मैं मेरे लिए एक स्पेशल रूम तैयार करवा रही हूँ, तो उसी का काम कल हुआ था, तो इसलिए उसका जो क्लीनिंग था आफ्टर काम के बाद, सीमेंट वगैरह, ये जो सैंड होता है, इसका जो क्लीनिंग था वो मैंने किया। और 5 बजे नहाई इसलिए, और थोड़ा थोड़ा ठंड है इसलिए मेरा बदन में बिल्कुल दर्द हो गया। तो ये है मेरा साइड का जो रूम, देखो इसमें दरवाजा लगाए का ही। इसका काम हुआ कल, ठीक है, तो यहाँ पर ये दरवाजा लगा। अभी ये जो है ना, मैं पहले भी दिखाई थी, ये वाला मेरा रूम होगा, बिल्कुल मेरा पर्सनल रूम। तो यहाँ पर बैठ के मैं लाइव करूँगी और अच्छा अच्छा वीडियो भी बनाऊँगी। इसका बिल्कुल डेकोरेशन करना है तो धीरे धीरे करूँगी। यहाँ पर तक ये वाला तो फ्लैट सिस्टम है, उधर है जो रेंट होगा उसका अलग सा होगा। और ये रूम मैंने ले लिया, बाहर बैल्कनी सारे है और बहुत अच्छा रूम है ये। इतने दिन तक तो यहाँ पर रेंट था, तो आज मैंने इसको ले लिया। और इधर से जाने के लिए दरवाज़ा बनाई, अंदर से छोटा सा दरवाज़ा सिर्फ आने जाने के लिए, तो ये लोहे का दरवाज़ा। सो इसीलिए मैं कल तो इसलिए थोड़ा बिजी थी और अभी भी उस घर को क्लीन नहीं किया, इसलिए बहुत पैरों में ना बहुत धूल मिट्टी आ रहा है, तो इसलिए मेरा ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ गया। क्योंकि ये सारे के सारे बहुत गंदा हो गया था, बिस्तर वगैरह सब कुछ, ये सारा मुझे क्लीन करना पड़ा, इसलिए मेरा बदन में बिल्कुल दर्द है, आज भी है। तो कोई बात नहीं, काम तो करना ही पड़ता है। तो अभी मुझे किचन में जाना है, तो चलो मेरे साथ, मैं किचन में क्या करूँगी वही शेयर करूँगी आप लोगों से आज। तो चलो लेट्स गो। इधर तो सारे के सारे काम करने में जुटे हैं। अभी आ गई मैं। आज तो ये मछली होगा, इसको हम लोग कोई मछ बोलते हैं, तो इसलिए मेरा कढ़ाई में तेल गरम हो गया, अभी ऑफ करके रखी है। तो सरसों से बनाऊंगी मैं, और इधर मिर्ची है, और ये जो है ना गुल्लू का फिश है, गुल्लू को चिकन से थोड़ा, एक ही चिकन खा रहा है ना इसलिए थोड़ा खाने में प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसलिए मैं सोची कि गुल्लू को थोड़ा फिश खिला के देखती हूँ वो खाते कि नहीं, क्योंकि उसको लेके तो बहुत परेशान हो, वो क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। तो अभी आज तो मुझे किचन में आने का बिल्कुल मर्जी नहीं था, मगर आना ही पड़ा, कोई बात नहीं। चलो अभी ये फिश है ना, इसको मैं फ्राई करूँगी।
क्या करती हूँ, जो सरसों है तो इसको ना भिगो के रख देती हूँ आधा घंटे के लिए, और इसमें ना जो ऊपर का पानी है उसी को ही मैं डालती हूँ। वो जो क्या बोलते हैं उसके नीचे जो झाग रहता है ना, वो सरसों का मैं नहीं डालती, क्योंकि वो तो सेहत के लिए खराब है। इसलिए इसको पानी मिलाती हूँ, और थोड़ा नीचे जब झाग बैठ जाए तभी उसको मैं डाल देती हूँ। ये देखो, इसको ये ना खाने में सेहत के लिए खराब है, सरसों ऐसे गर्म है, पेट के लिए ठीक नहीं है। इसको मैं फेंक देती हूँ। अभी ये थोड़ा बॉईल हो जाएगा, फिर वो मछली डाल दूंगी, और ग्रेवी जैसा होगा तब भी खाने के लिए तैयार हो जाएगा। नमक थोड़ा चेक कर लूं। थोड़ा नमक चाहिए, मैं नमक हर किसी में, हर किसी सब्जी में कम लगाती हूँ, कम देती हूँ, क्योंकि नमक अगर ज्यादा हो जाए ना तो बेकार हो जाता है, लगने पर नमक यूज करो तो ठीक है, मगर ज्यादा होने पर बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। अभी इसको उबलने के लिए छोड़ देते हैं। उबल आने के बाद ढक्कन छोड़ दिया। क्या करेगा तू, खाएगा? नहीं दूंगी मैं, तो क्या किया इसको?
देखो फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं ये गुल्लू मेरा काट लिया। एक भी खीरा हम लोग नहीं खा सकते, इसके लिए सब वो खाते हैं। देखो केला खीरा इसको बहुत फेवरेट है, मैंगो। खाने तुमको खाने नहीं देना है, मुझे नहीं देना है। ओ पापा कुछ खा लिया। देखो वो क्या करता है, ये जो ऊपर का हिस्सा है ना ये नहीं खाता, ये फेंक देता है। इतना समझ है, बहुत समझ है इसको, ये वाला नहीं खाएगा। देखो नहीं खाएगा खा लिया, खा नहीं खाएगा। देखो फेंक दिया, चल जा। इतना मैं थोड़ी देर रखना चाहती थी, फ्रिज का है ना इसलिए के नीचे गिरा दिया। देखो फ्रिज का है ना इसलिए मैं रखना चाहती थी, मगर देखो लेके बैठ गया। ये इसका चोरी करके खाने का जगह है, डाइनिंग टेबल के नीचे। मेरा प्यारा सविता, मुन्नू कहाँ है मुन्नू? हाँ हो गया, बिल्कुल हो गया। अभी इसके अंदर जो है ना मछली डालनी है मुझे। बिल्कुल ग्रेवी जैसा होगा, अच्छा लगता है। थोड़ा देकर ही चावल खाया जाता है। थोड़ा ढक देती हूँ। देखो खा लिया मेरा बच्चा, कहाँ चचा चचा। बहुत अच्छा खाता है, बहुत। वो देखो दो साइड फेंक देता है, वो नहीं खाता, दोनों साइड फेंक के अंदर वाला जो हिस्सा होता है वही खाता है। कितना समझ है, बहुत समझ है। मेरा छोना कैसे बैठा है। ओल बोबली। अभी तो बिल्कुल तैयार हो चुका मेरा ये फिश करी। अभी इसके अंदर ना थोड़ा ये जो मस्टर्ड ऑयल होता है रॉ वाला उसको डालूंगी, ठीक है। थोड़ा सा इसमें इसका जो टेस्ट है ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल तैयार है, देखो टेस्टी ना। जो सब्जी है ना इसको पकाऊंगी दोनों एक साथ, लगता जैसा सब सब्जी को मिलाकर एक सब्जी बनानी है मुझे। ये वाला थोड़ी देर में बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स आज का जो ये ब्लॉग है ना मैं यहीं पर एंड करूंगी, क्योंकि एक आइटम के साथ ही मैंने शेयर किया ये वाला ब्लॉग सुबह का, गुड मॉर्निंग का। अभी कितने बजे देखती हूँ, 9:15 बज चुके हैं शायद। इसको लेके जाऊं, देखो। तो अभी क्या ना 9:15, हाँ 9:20 हुआ है। तो अभी मेरा जो ब्लॉग है यहाँ पर मैंने गुल्लू का फिश तैयार करूँगी इंडक्शन में, और कल का जो दाल है इसको मैं
गर्म होने के लिए इंडक्शन में बिठा दिया, तो बहुत ढेर सारा काम होता है एक दिन में तो सब कुछ शेयर नहीं किया जा सकता। थोड़ा थोड़ा क्लिपिंग्स मैं शेयर करती हूँ। आज बहुत दिन बाद मैंने ऐसा वाला किचन का जो ब्लॉग है यही शेयर किया। तो फ्रेंड्स आज का जो ब्लॉग है ना मैं यहीं पर एंड करूँगी, फिर मिलेंगे दूसरा कोई अच्छे वाला कंटेंट के साथ। और एक बात, जो फ्रेंड मेरे चैनल में नए हैं ना वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। इसके फायदे ये है मैं जब जब कोई न्यू अपडेट दूंगी, न्यू वीडियो दूंगी, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ओके तो फ्रेंड्स आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ आज के लिए। टाटा, फिर मिलेंगे।